कोई और देश नहीं विश्व में जहां इतने टीकाकरण हो चुका है वो कांग्रेस का जमाना होता था जब स्मॉल पॉक्स होती थी बीसीजी की वैक्सीन की बात होती थी तो विदेश में टीका बनता था और 15 साल बाद भारत में आता था और आज ये कोरोना काल है जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहला टीका भारत में बनता है और फिर उस टीका का एक्सपोर्ट और आयात किया जाता है निर्यात किया जाता है अन्य देशों को वो भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज विश्व पटल पर उजागर हो रहा है जब विश्व नेताओं की लाइन लगती है तो पहले मोदी जी का नाम लिया जाता है और आज उस कोरोना काल में जो जग्गी ने कहा ब्रिजेश ने कहा उमेश के भी फोन आते थे मेरे पार्टी के अनेक कार्यकर्ता के फोन आते थे ये मेरा सौभाग्य है कि जब फोन आता है तो उसी फोन व्यक्ति को फोन किया जाता है जिससे लोगों को आशा निराशा होती है कि कुछ हमें विकास और प्रगति मिल पाए मुझे याद जिस कांग्रेस का मुख्यमंत्री के पास कोरोना के लिए मीटिंग करने का समय नहीं पालिका के अध्यक्ष के रूप में संपर्क का बटन मेरा दबवाया है हम आखिर लाल जी को के लिए तो हम तीसरी पीढ़ी है आपने जो सिंधिया परिवार और शिवपुरी का इतिहास देखा है शायद इस कमरे में किसी और ने देखा शकुंतला खटी जी विथरे साहेब ये मंच नहीं है ये तो रंगमंच है रंगमंच है चाहे जसवंत जी हो केशव जी हो देवेंद्र जी हो सब यहां जो बैठे हैं शकुंतला जी हो ये रंगमंच है नेताओं का नहीं ये रंगमंच है मेरी शिवपुरी की माटी के जनसेवकों का मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके मंच पे हर क्षेत्र का हर समाज का हर वर्ग का भारत का गुलदस्ता देखने को मिलता है मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की पहचान तो है ही लेकिन ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरी तो जान है मेरे कार्यकर्ता आप हम सब
की पूज्य हो। मैं तो ये कहता हूं कि हम सब सेवक हैं और मेरे कार्यकर्ता मेरे देवता हैं। जो मेहनत मशक्कत आप सब दिन रात करते हैं, राजू जी मुझे गाड़ी में बता रहे थे, एक के बाद एक, चाहे प्रशिक्षण हो, अनेक कार्यक्रम हो पार्टी के, मैं उस तरफ 20 साल रहा। जो सिद्धांत और जो योगदान की ललक और की परिकाष्ठा मैंने देखी है भारतीय जनता पार्टी में, मैं नहीं मानता कि किसी विश्व के किसी दल की पार्टी में। और आज जो आप लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत किया एक साधारण कार्यकर्ता का, जो मनोबल आपने मेरा बढ़ाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने सदैव कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी, मैंने सदैव जनता की लड़ाई लड़ी है। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़े होकर संकल्प और प्रण दोहराता है कि जीवन की आखिरी सांस तक आपकी सेवा, जनता की सेवा के तहत लिए मैं सदैव पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।